दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, अतिशयोक्ति अलंकार, सबसे पहले परिभाषा जान लीजिए। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी भी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक मर्यादा की सीमा को लांघ कर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में समझिए आप कैसे, उदाहरण के माध्यम से। छाले परिबे के डरनो सके न हाथ छुआई, झझकत हिए गुलाब के झवा झवैयत पाई। बिहारी लाल की पंक्तियां हैं कि छाले, छाले का मतलब फोड़ा, परिबे के डरनू, फोड़े पड़ने के डर से सके न हाथ छुआई, हाथ भी नहीं छुआती है। यहाँ पर बिहारी जी नायिका के पैर के कोमलता का वर्णन इस प्रकार किए हैं कि नायिका के पांव इतने कोमल हैं कि दासी छाला पड़ने के डर से सके न हाथ छुआई, अपने हाथों को भी उसके पांव से नहीं छुआ सकती। झझकत ही ये गुलाब के झवा झवैयत पाई, झझकत ही है यानी हृदय झझक रहा है, गुलाब के झवा, गुलाब के झवा, झवा एक तरह का वस्तु जिससे पैर को साफ किया जाता है, झवैयत का मतलब साफ करना, गुलाब के झवा से भी पैरों को साफ करते समय झझकत ही है, हृदय झिझक रहा है कि कहीं गुलाब इसके कोमल पाँव में चुभ न जाए। तो यहाँ पर देखिए नायिका के पैरों की कोमलता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। एक उदाहरण और देखिए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। यहाँ पर धनुष भंग के समय का वर्णन है कि भूप सहस, भूप मतलब राजा, सहस दस, दस हजार, एक ही बारा मतलब एक साथ। कवि का कहना है कि दस हजार राजा एक साथ लगे उठावन, धनुष को उठाने में लग गए, टरत न टारा, लेकिन धनुष टस का मस न हुआ। तो देखिए यहाँ भी धनुष की विशालता का, धनुष के भार का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को हिलाने में लग गए लेकिन धनुष अपने स्थान से हिला तक नहीं। तो ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। बस जहाँ पर किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ा कर कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चातक था उस पार। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम चातक था। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चातक की गति का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। जैसे देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार कि आगे विशाल नदी पड़ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार, अब घोड़ा नदी को कैसे पार करेगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार ही सोच रहे थे, तब तक चातक था उस पार, तब तक चातक उस पार पहुंच गया। तो यहाँ देखिए महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही चातक नदी को पार कर लिया। तो यहाँ भी घोड़े की बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।